देवास में आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर है। आज हड़ताल के 21वें दिन आशा उषा कार्यकर्ताएं विधायक गायत्री राजे पवार के निवास पर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने विधायक गायत्री राजे पवार को एक ज्ञापन सौंपा है, जहां सभी आशा उषा कार्यकर्ताओं ने विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विधायक गायत्री राजे पवार ने आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं की जो भी मांगे हैं उसको लेकर वह खुद मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेगी। आशा कार्यकर्ताओं ने अनिता सिंह ने बताया कि आशा उषा कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए और उनका वेतन बढ़ाया जाए, जिसको लेकर हमारी लगातार हड़ताल जारी है। वहीं उनका कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि आशा उषा कार्यकर्ताओं का प्रदेश स्तरीय लगातार प्रदर्शन जारी है। जी, देवास की आशा कार्यकर्ता है, मेरे पास आई थी, उनका ज्ञापन मैंने प्राप्त किया है और उनको आश्वासन दिया है कि उनकी बात मैं, उनकी विधायक होने के नाते उनकी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाऊंगी और मैं जब भोपाल जाऊंगी अगले कुछ दिनों में तो उस ज्ञापन को मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करूंगी। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के लिए जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं वो इतिहास गढ़ रहे हैं। लाडली बहना योजना के तहत जो महिलाओं को घर बैठे हुए हर महिला को 1,000 रुपये 12,000 रुपये सालाना जो देने का वादा किया है और जिसका काम अभी चल रहा है वो अपने आप में इतिहास है। तो बहनों के लिए हमेशा से उन्होंने सोचा है, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दी है। इन बहनों को मैंने वादा किया है कि इनकी समस्या में माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊंगा। आप अभी विधायक जी के पास पहुंचे थे, क्या कुछ समस्या के लिए पहुंचे थे और कितने लोग आप यहाँ पे अभी आए? हम लोग विधायक जी के पास आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी की समस्या को लेकर पहुंचे हैं। हमारी 15 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल चल रही है। हमारे हड़ताल के दौरान हमारे मतलब सूचना के लिए या हम लोगों को कोई आश्वासन देने के लिए कोई भी वहां पे मौजूदगी में नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक दिन कलेक्टर ऑफिस में भी गए थे, कलेक्टर महोदय जी को भी दिए हैं ज्ञापन और आज विधायक जी को ज्ञापन सौंपे हैं। क्या कुछ आपकी मांगे है कि हमारी आशा बहनों को 10,000 और पर्यवेक्षक बहनों की 15,000 होनी चाहिए। क्या आश्वासन मिला विधायक? विधायक जी से आश्वासन हमें ये मिला है कि हमारी जितनी भी शर्तें और मांगे हैं वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा या उम्मीद है ये पूरी की जाएगी। आपका नाम? अनिता सिंह, आशा कार्यकर्ता। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।